रहमीम एवरी एवरीवन एंड आई होप दैट वेल सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट टॉपिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन एज यू ऑल नो दैट लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ठीक है ये आपकी बर्थ से स्टार्ट होकर आपकी डेथ तक चलता है एवरी डे यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एवरी डे यू लर्न समथिंग डिफरेंट तो होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई तो उसके दरमियान बहुत सी रिसर्च ऐसी आई जिनमें लर्निंग प्रोसेसिस को समझाया गया साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पर फोकस किया कि किस तरह एक लर्नर अपने टास्क को लर्न करता है किस तरह उसको परफॉर्म करता है और मीन वाइल्ड नाइनटीन फिफ्टी के अर्ली डेज़ में बहुत ही इंटरेस्ट शो किया गया लर्निंग थ्यूरीज पर और उन लर्निंग थ्यूरीज़ को बिहेवियरिज़म के सब डिवीजन में उन सब को डील किया गया स्किनर ने एक थ्योरी दी थी स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल जिसके थ्रू उसने ये बताया कि किस तरह छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके एक लर्नर लर्निंग करता है इसने सारा बताया था कि किस तरह एक स्टिमुलस आता है और हमारी ह्यूमन बॉडी उस पर रिस्पांस देती है जिसकी वजह से लर्निंग होती है और एक जो लर्नर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो ये पूरी थ्योरी थी जो कि स्किनर ने प्रपोज़ की थी और इसके बाद ये एक यू कैन से फर्स्ट स्टेप था इमरजेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस का हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस है क्या एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लर्नर की लर्निंग को इंक्रीज़ कराने का और उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कराने का प्रोसेस यानि कि हम एक लर्नर को एक चीज़ लर्न करवाने के लिए जो स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस चलते हैं उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस सो so, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम माइंड में रखें ये प्रोसेस ये प्रोसीजर बनाने के लिए ये डिज़ाइन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को वी हैव फोर फंडामेंटल एलिमेंट्स सबसे पहले हमारे पास आता है लर्नर करेक्टरिस्टिक्स कि जिसको हमने लर्न करवाना है जो लर्नर है जो स्टूडेंट है वो कौन है ठीक है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि डेवलप होने वाले हैं यानी कि हमने लर्नर की निश को देखना है कि हमने उस लर्नर को कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो है कौन ठीक है सेकेंडली हम उसमें ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कि लर्नर ने लर्न क्या करना है ठीक है यानी कि हमने ये देख लिया कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं अब उसके करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हमने एक प्लान बनाना है कंटेंट सेलेक्ट करना है कि उसने बेसिकली लर्न क्या करना है हमारा क्या गोल है क्या ऑब्जेक्टिव है उसको वो चीज़ लर्न करवाने का ठीक है थर्ड हम उसमें ये देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो हमने इसको चूज़ किया है उसको किस तरह से पढ़ाना है इसमें हम लेकर आएंगे टीचिंग मेथड्स को यानी कि किस तरीके से वो कंटेंट वो ऑब्जेक्टिव्स हम लर्नर तक डिलीवर करेंगे मैं बार बार लर्न कवर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लर्नर इज़ नॉट लाइक ओनली लर्निंग द थिंग्स मैं यहाँ पर सिर्फ स्टडी की बात नहीं कर रही वो आपका सोशल बिहेवियर हो सकता है आपका डेली बेसिस का फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सपीरियंस हो सकता है एनी uh, कोई आपका एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है किसी भी तरह की लर्निंग आइर वो आपकी एजुकेशनल हो या नॉन एजुकेशनल हो डैट इज़ इंक्लूडेड इन लर्निंग एंड एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज इवेल्युएशन यानी कि फीडबैक ऐट द एंड जब आपने टीचिंग मैथड्स तक सारी चीज़ें देख ली तो अब इवेल्यूशन के बारे है कि जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते थे लर्नर को क्या उसने अचीव की है या नहीं तो ये फोर एलिमेंट्स हैं की एलिमेंट्स हैं एक डिज़ाइन प्रोसेस के जिसमें हम ये लाजमी इंक्लूड करते हैं जैसे स्टूडेंट है टीचिंग मैथड्स हैं ऑब्जेक्टिव हैं और इवेल्यूएशन है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड की पार्ट्स ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस तो कुछ इसके अलावा एडिशनल कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमें अटेंशन देनी चाहिए उनकी तरफ एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल को कम्प्लीट करने के लिए यह आपके सामने हैं हम इनको आगे जाके भी डिस्कस करते हैं सबसे पहले है लर्निंग नीड्स असेसमेंट कि बेसिकली लर्नर की नीड क्या है उसके क्या उसके फ्लॉज हैं उसकी लर्निंग में जो हम दूर करें हम उसमें अपने गोल्स सेट करते हैं और फिर देखते हैं हमने किन चीज़ों को प्रायर रखना है किन चीज़ों को लेस इंपॉर्टेंस देनी है और किन चीज़ कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं कंस्ट्रेंट्स कॉज कर रही हैं और हम इन चीज़ों को इराडिकेट करें हम अपना पर्पज सेलेक्ट करें कि हमने ये टॉपिक पढ़ाना है तो उसके पीछे हमारा क्या एम है लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं बहुत डिटेल्ड में ठीक है फिर सब्जेक्ट एक सेलेक्ट uh, करना अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना कि क्या वो मेथड आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग पूरा उतर रहा है क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास आपके पास किस तरह की सपोर्टिव सर्विसेज हैं किस तरह से आप लर्निंग एवेल्यूशन कर रहे हो और एट द एंड वेन यू आर डन डन विद ऑल द थिंग्स तो आप प्री टेस्टिंग कैसे कर रहे हो अब प्री टेस्टिंग भी दो तरह से आती है या तो आप एट द स्टार्ट मतलब अभी आप बना रहे हो डिज़ाइन मॉडल और उसको पहले टेस्ट करो एक तो ये तरीका और ये सब कुछ करने के बाद एट द एंड आप उसको टेस्ट करो वो एक अलग तरीका है ये मैंने अपनी वीडियो में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट या एवेल्यूशन में बताया था तो ये प्रोसेस हैं जो मैंने आपको बताई कि हम इन चीज़ों को जहन में रखते हैं जब हम एक डिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को अब इन दस एलिमेंट्स में से आप कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो यानी कि अगर कोई चाहता है कि वो पहले कंटेंट सेलेक्ट करे तो वो कंटेंट सेलेक्ट कर सकता है अगर कोई चाहे कि वो लर्नर करेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करे वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है कोई पहले ऑब्जेक्टिव कभी टीचिंग मेथड्स तो इट्स अप टू द डिज़ाइनर कि वो किस तरह से किस एलिमेंट से स्टार्ट करता है ठीक है तो एट द एंड इट्स वेरी सिंपल ये रैशनेल क्या है कैंप मॉडल का ये जो हमने सारे अभी फिलहाल मॉडल पढ़े ये थे कैंप के जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई वो भी कैंप ने दी थी और ये एक साइकोलॉजिस्ट था एक एजुकेशनस्ट था जिसने ये सारी थ्योरी दी थी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में ये इंटरलिंक्ड हैं तो रैशनल ऑफ यूजिंग कैंप मॉडल क्या है यानी कि उसकी बेसिस क्या है फाउंडेशन क्या है हम क्या किस हवाले से उसको देखते हैं सबसे पहले जो एक ओवल मैंने आपको अभी पिछले डायग्राम में दिखाया दिस वन इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है बट एट द एंड देर इज रिवीजन अगर आप इसके साइड बार्स में देखें तो ये रिवीजन है कि अब हर पॉइंट जो है वो रिवीजन पे आके एंड होगा ठीक है तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट इनका नहीं है और ये सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं इंटर हैं है इंटर रिलेटेड है, है ये सारे एलिमेंट्स कोई लाइन कोई एरो के थ्रू कनेक्टेड नहीं है अब डिसीजन एक डिज़ाइनर के ऊपर है कि वो किस तरह एलिमेंट को सिलेक्ट करता है किस तरह वो एक ऑर्डर बनाता है एक डिज़ाइन बनाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इसको अपनी तरफ से इसको अच्छा डिज़ाइन कर सके और इस डिज़ाइन के थ्रू ही एक लर्नर को इंक्रेजमेंट मिलती है उसको मोटिवेशन मिलती है एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे लर्निंग कर सके ठीक है तो द इंडिकेशन ऑफ रिवीन अराउंड द एलिमेंट्स इलस्ट्रेट द फीडबैक फीचर विच अलाउज़ फॉर चेंज इन द कॉन्टेंट और ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी कि इसका हमारे पास ये मतलब है कि किसी भी किस्म का अगर हमें कोई इशू आता है तो हम इतनी फ्लैक्सीबिलिटी है इस मॉडल में कि हम दोबारा से अपने कॉन्टेंट में चेंज कर सकते हैं उस टीचिंग मैथडोलॉजी में चेंज कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी हम इसमें चेंज ले आ सकते हैं तो सिंपली कंक्लूजन इज़ डैट जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कैंप मॉडल की 1985 में से दिया था ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लर्नर की लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस बनाएं डैट इज़ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस सो आई थिंक डैट द टॉपिक इज़ क्लियर सो थैंक यू सो मच एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन